हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर किस प्रकार से सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं फोटोज़ और वीडियोस को हाइड कर सकते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग तो है ही और आपके लिए हेल्पफुल भी रहने वाला है, तो क्योंकि आप सीखने वाले हैं रेडमी 9 पावर के अंदर कैसे अपने फोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड करेंगे। तो वीडियो के लिए इंटरेस्टिंग है गाइस, ठीक है। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप ये सब कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। अगर गाइस आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ब्लैक नहीं किया है, तो उस पर आप कुछ ना कुछ फेंक के जरूर मारें, बट उसको सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज, सिंपल से स्टेप्स हैं, बस आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ कि आपको अपने फोटो से वीडियो से हाइड करने के लिए आपको जाना होगा अपनी गैलरी के अंदर। तो यहाँ से हम गैलरी में आ जाते हैं और यहाँ पे गैलरी में आने के बाद आपको काफ़ी सारे फोटोज़ और वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। कुछ यहाँ पे वीडियोज़ हैं, कुछ फोटो हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम ये एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड रखना है आप इसको, और यहाँ से हमने दो फोटो सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे ऐड टू एल्बम का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है गाइस। ऐड टू एल्बम क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्राइवेट एल्बम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो प्राइवेट एल्बम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसको ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करते हैं तो यहाँ से बोल रहा है अपना पैटर्न आप यहाँ पर ड्रॉ करें, जो आपका पैटर्न है यहाँ पर अपना पैटर्न ड्रॉ कर देते हैं। और यहाँ पर इसको अगेन ड्रॉ करने को बोल रहा है क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना पैटर्न सेटअप कर देना है और इसको आप नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पर, और आपका एक MI अकाउंट होगा बना हुआ, ठीक है, और यहाँ से आप ऐड कर दें। तो जैसे ही आप ये सब करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे सब सेटअप हो चुका है। आपके जितने भी फोटो हैं वो प्राइवेट सेफ के अंदर पहुँच चुके हैं, चाहे तो आप यहाँ से जाके इस पर चेक कर लें, ठीक है गाइस। और यहाँ पे डोंट आस्क कर दे रहे हैं यहाँ सब इसको, और फिंगरप्रिंट हमको नहीं लगाना है बोल रहा है फिंगरप्रिंट सेटअप करने के लिए, तो कैंसिल कर देते हैं इसको। तो आपके सामने यहाँ पे प्राइवेट एल्बम के अंदर आपके फोटो आ गए हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम इनको कैसे यूज़ करेंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है गाइस। अगर आप अपनी सेट दो वीडियो ऐड कराना चाहते हैं तो यहाँ से हम दो गैप वीडियो कितनी भी हो, ठीक है, वीडियो सेट करनी है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, दोनों वीडियो सेट करनी है, ऐड टू एल्बम करनी है, और यहाँ पे प्राइवेट एल्बम पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद, ठीक है, आपका जो एल्बम के अंदर है वो अपडेट हो गए हैं। अगर आप इनको कैसे देखेंगे, ठीक है, उस बारे में आप बता दें आपको कि कैसे आप इनको यूज़ करेंगे, तो आपका जो एल्बम वाला ही है, ठीक है, आपको एल्बम वाली साइड में जाना है। यहाँ पे एल्बम साइड जाने के बाद आपको वन फिंगर के साथ स्वाइप डाउन करना है, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको स्वाइप डाउन करके होल्ड रखा है, रिलीज टू ओपन प्राइवेट फोल्डर, ठीक है, हम इसको क्लिक कर देते हैं, ओपन हो गया। आपको अपना फिंगरप्रिंट या पासवर्ड जो भी आपने सेट किया है वो ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे आपके सामने आपकी दो वीडियो आ गई और दोनों फोटोज भी आ गए। तो इस प्रकार से आप अपनी प्राइवेट एल्बम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनको वापस से अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस एंड होल्ड रखें, ठीक है, सेलेक्ट कर लें, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक ऑप्शन, ठीक है, जो कि बोल रहा है रिमूव फ्रॉम प्राइवेट एल्बम, ओके। यहाँ से हमको इसको क्लिक कर लेते हैं, कैमरे वाले सेटअप में इसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर प्राइवेट एल्बम के अंदर फोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आएगी तो मैं वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। गाइज़, मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।